इस खेत मतलब कि अपनी शादी से पहले आई थी, मतलब शादी से पहले की आई हूँ, और जब से शादी हुआ तब से मैं इस खेत आने का मौका नहीं मिला कि मैं आऊँ और घूम फिर लूँ फिर जाऊँ। तो आज मम्मी बोली चलो घुमा लाती हूँ खेत से, काफी दिन हो गए, शादी भी हमारे 6 साल हो गए शादी हुए, और आ नहीं पाती थी मैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। जब आती थी 10 दिन के लिए आती थी चली जाती थी तो आ ही नहीं पाती थी। तो और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इधर पापलर वो क्या मम्मी का चीज के पेड़ हवे ना, वो तो है तो शीशम है ना, है कौन चीज के पेड़ है, क्लाप्टिस का पेड़ लगा हुआ है ये, और इधर शीशम का पेड़ लगा हुआ है। तो चलिए मैं भी चल रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ चलिए, घूमते फिरते रहिए। और जो लोग नए हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का एक एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आप हमारी हर वीडियो का आनंद ले सकें। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मम्मी आपन खेत कहाँ बा? तो चलिए मैं अपनी मम्मी का खेत दिखाती हूँ, अब चाचा जी का तो दिखा दी मैं खेत। ये भैंस को खिलाने वाला चारा बोया गया है पूरे खेत में, और वो बीच में काट के खिलाया गया है, बाकी के उधर का बढ़ गया है फिर काट के खिलाने वाला, और इधर से फिर हो रहा है। तो इधर चारों तरफ मटर बोया गया है और इसमें फूल आ गया है, अब इसमें फल भी आएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देख करके, देखिए मटर का पौधा। देखिए दोस्तों ये है मेरी दादी का खेत, मतलब कि मेरी दादी को दिया गया है, तो इसमें धनिया बोया गया है और सरसों बोया गया है। तो मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन पूरा दिख रहा है यही है, बाकी जो सरसों का खेत दिख रहा है वो नहीं है मेरी दादी का। तो और देखिए चारों तरफ इसमें धनिया बोया गया है। तो आप लोगों का मेरी दादी का मेरी मम्मी का खेत घूमकर कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब चलती हूँ मैं घर क्योंकि थक गई हूँ, पूरा दिन बीत गया, धूप भी बहुत तेज है, मुंह लाल हो गया है पूरा धूप की वजह से, और बहुत मस्ती हुआ खेत में, घूम फिर ली मैं। दोस्तों मैं खेत से आ गई घर और अब आराम करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और हमारे नवाब साहब जी आगे आगे जा रहे हैं, देखिए धूप से इनको गर्मी हो गया है तो जैकेट निकाल के हाथ में ले लिए हैं। फाइनली दोस्तों मैं खेत घूम करके आ गई घर और आराम करने बैठी हूँ क्योंकि धूप से मुंह पूरा लाल हो गया है। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ब्लॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा, और मिलती हूँ नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के आप लोग अपना ख्याल रखना और मेरा भी ख्याल रखना। और हाँ सब्जी की कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बना नहीं रही हूँ, सिर्फ खेत घूम रही हूँ, घर पे रह रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ, तो जो है वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और जब मैं दिल्ली जाऊंगी फिर ब्लॉग बनाऊंगी, सब्जी हर चीज की रेसिपी शेयर करती रहूंगी। और मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।